हेलो डियर व्यूअर्स, टर्म टू का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 और क्लास 12 के लिए किस तरह का आने वाला है वो आप इस वीडियो में देखिए। तो 40 मार्क्स का पेपर होगा जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, और टाइम जो आपको 2 घंटे का मिलेगा। और इस क्वेश्चन पेपर में आपको 3 सेक्शन नज़र आएंगे। सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का, फिर राइटिंग का और फिर लिटरेचर का। तो सेक्शन ए जो रीडिंग का होगा वो 14 मार्क्स का होगा। इसमें आपके सामने पैसेज होंगे, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं, एक पैसेज ये होगा और इस पैसेज में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिली है, और चॉइस इस तरह से है कि पैसेज में से आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। एक चॉइस आपको यहाँ मिल जाती है। उसके बाद फिर सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो भी एक पैसेज ही होगा, और देखते हैं इसमें कोई चॉइस दी गई है या फिर नहीं दी गई है। तो ये पैसेज आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बार ग्राफ वगैरह या फिर ग्राफिकल फॉर्म में ये पैसेज दिया होता है आपको। और इसमें आप देखिए यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 7 में से आपको कोई 6 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन बी राइटिंग का स्टार्ट होता है। इसमें देखिए आपको क्या क्या करना होगा, इसमें सारा राइटिंग का सेक्शन होगा। तो इसमें देखते हैं आपको चॉइसेस वगैरह दी गई हैं या फिर नहीं दी गई हैं। सेक्शन बी में आपके सामने 2 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक में चॉइस मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइस नहीं दी गई है और क्वेश्चन नंबर 4 में चॉइस दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और यहाँ पर नीचे है पार्ट बी। तो दोनों में से आपको एक करना है, तो राइटिंग सेक्शन में भी आपको चॉइस मिल जाएगी। उसके बाद लिटरेचर है, तो लिटरेचर में देखिए आपको यहाँ पर इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी, 6 क्वेश्चंस में से कोई 5 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 है। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस लास्ट में मिलेंगे, और इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 3 में से कोई भी 2 करने होंगे। तो इस तरह का आपका इंग्लिश का एग्जाम का पैटर्न आने वाला है। तो आप पहले से इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो और आपका टाइम भी सेव हो। सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।